आज प्रदेश का एनसीपी अजित पवार पार्टी का जो है उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। प्रदेश का सचिव अपॉइंट हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एनसीपी अजित पवार स्टेट यूनिट का जो है महिला यानी वुमेन विंग जो वर्किंग प्रेसिडेंट आज हम लोग ने अपॉइंटमेंट दिया है, साथ में महासचिव और सचिव लोग को भी अपॉइंटमेंट दिया है वुमेन का, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आज का जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत लोग आज ज्वाइन भी हुआ और जिला महासचिव लोग को भी अपॉइंटमेंट दिया है। और वैसे ये जो पार्टी ये तो जस्ट थर्ड पेजी सोचिए, फर्स्ट पेज हम लोग अपॉइंटमेंट दे चुका है, ये सेकंड पेज दे चुका है, ये थर्ड पेज है, ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते रहेगा। तो ये अपॉइंटमेंट होते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, ये पार्टी मजबूत हो रहा है और मैं आने वाला बहुत ही जल्द ये पार्टी बहुत ही मजबूत होगा। और चुनाव इलेक्शन इज ऑल्सो नियरिंग, तो हम लोग चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहा है कर रहे हैं हम सब मिलके, और इसका हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और पार्टी का जो जो इंटेंडिंग कैंडिडेट यानी जो पार्टी का जो कैंडिडेट भी आपको जल्दी सुनाई देंगे। तो अभी तो हम पार्टी जो स्टेट प्रदेश में जिला में ब्लॉक में हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग गठन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जनवरी अंदर में हम पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लीट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत सामने आ रहे हैं और ये जो जनवरी एंड नहीं तो फरवरी तक हम लोग शायद मैनिफेस्टो भी आप सबको आपका सामने में पेश करेंगे और कैंडिडेचर को भी आप सब मीडिया प्रतिनिधि के सामने पेश करेंगे। सर, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है 2024 के लिए? हम लोग आज एग्जीक्यूटिव, हम लोग कह सकते हैं कि आज फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ है आपका पार्टी का, मेन कोर का। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कितना, आप लोग कॉन्फिडेंट है 2024 के लिए? एनसीपी अजित पावर पार्टी जो है, मैंने पहले बता चुका है कि पार्टी विद डिफरेंस, यानी हम 100% हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, और हमारे जो हाई कमांड यानी नेशनल प्रेसिडेंट अजित पवार जी जो है, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी जो एमपी है, सिटिंग एमपी है, बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है, स्ट्रांग लीडर, दोनों दोनों स्ट्रांग लीडर हैं। तो हाई कमांड के आशीर्वाद से मैं आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न में पार्टी को और मेरा कैंडिडेट को जिताने के लिए मैं पूरा पूरा मेहनत करूंगा, और मुझे पूरा पूरा भरोसा इस बार, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एनाफ कि इस बार बहुत ही अच्छा नंबर लेके हम आएंगे एनसीपी अजीत पवार अरुणाचल प्रदेश में। यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई ट्राई माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट एंड लिविंग द रेस्ट ऑन गॉड। सर, आपके यहाँ पे अभी मंगल जमसो भी है जो पहले भी एमपी के लिए कॉन्टेस्टेंट कर चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार भी आपके पार्टी से एनसीपी से एमपी सीट में उतरेंगे फिर वापस? मैं अभी आपको बता चुके हैं कि हम कैंडिडेचर जो इंटेंडिंग कैंडिडेचर के बारे में आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल आप तो चर्चा में लाएंगे क्योंकि चुपके तो चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के बाद हम लोग इंटेंडिंग कैंडिडेट के बारे में भी आपको बताएंगे, और उससे पहले हम जो हमारे पार्टी का हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो को आपको बताने के बाद तब कैंडिडेटचर के बारे में भी अनाउंस जरूर किया जाए, आप पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही बताऊंगा। ठीक है, सर, ये आप कोई मेंबर आप जब अपॉइंट करते हैं अंडर ए कंडीशन आप करते हैं, तो इस आज के जो मेंबर का अपॉइंटमेंट में आपका कोई पार्टिकुलर कंडीशन है? बिल्कुल है। वैसे ये अजित पावर जो एनसीपी अजित पावर पार्टी जो है, हम सिस्टम के साथ अपॉइंट करते हैं, ऐसा जहाँ तक एब्रप्टली अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसे प्राइमरी मेंबरशिप बनाते हैं, उसके बाद वो प्राइमरी मेंबरशिप जो है आपका 10 मेंबर बनाना है, कम से कम 10 से 20 मेंबर बनाना है, मिनिमम 10।
तो मेंबर्स बनाने के बाद उसको एक्टिव मेंबर बना जाता है। तो एक्टिव मेंबर बनने के बाद आप प्रदेश में भी, जिला में भी, ब्लॉक में भी आप पद ले सकते हैं, पोस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग सिस्टम के साथ उसका बैकग्राउंड को स्टडी करके अपॉइंट करते हैं। ऐसा हम जहाँ था एब्रप्टली अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, उसका पीछे जो एक्सपीरियंस को बेस करके और जो उसका जो कैलिबर, उसका जो जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड को स्टडी करके हम अपॉइंटमेंट देते हैं। सर, सिंस बीजेपी और ये नेशनल कांग्रेस पार्टी साथ में है सर, कोलिशन गवर्नमेंट में, तो क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी और एनसीपी अरुणाचल में इलेक्शन साथ में लड़ेगा, साथ में काम करके लड़ने का कोई चांसेस है? मैं वही पहले बता चुका हूँ कि एनसीपी अजीत पवार पार्टी जो है द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस ऑफ एनडीए। तो हमारे जो ऐसा है, वी आर अलायंस, वी आर पार्टनर इन डेवलपमेंट। हम लोग जो विकास के लिए पार्टनरशिप है, लेकिन चुनाव अपना अपना ढंग से लड़ेंगे और अपना आइडियोलॉजी, अपना प्रिंसिपल, अपना मैनिफेस्टो अलग अलग ही होगा। लेकिन हम या दैट इज़ वेरी मच ट्रू दैट वी आर अलायंस विद द बीजेपी पार्टी, एनडीए पार्टी। तो हम बीजेपी पार्टी भी अपना तरफ से लड़ेंगे, कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट लड़ेंगे, हमारे जो एनसीपी अजीत पवार पार्टी से भी अपना जो कैंडिडेट लड़ेंगे। तो जब सरकार बनाते वक्त हम एक दूसरा साथ देते हैं। सर, इलेक्शन का सीजन है तो बहुत सारा टाइम देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है कुछ किसी और पार्टी से वो इलेक्शन जीतता है, एंड आफ्टर जब वो इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब गवर्नमेंट बनाने का टाइम आता है, तो वो अपना पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाता है। सर, ये जो एंटी डिफेक्शन का जो सर ये लॉ है, वाई इज नॉट सो इफेक्टिव इन अरुणाचल प्रदेश? या मैं तो हर इलेक्शन में देखा जाता है कि MLA जो है जितना भी कैंडिडेट जीत जाने का वो तो पार्टी चेंज कर लेता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे अरुणाचल में ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन मैं आपको यकीन का साथ बताना चाहूँगा कि मेरा एनसीपी अजीत पवार में ऐसा नहीं होगा, होने देगा भी नहीं है। ये पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है, कोई धर्म खराब नहीं होता है। जो लीड करते हैं वो कमजोरी का वजह से बदनाम हो जाते हैं। तो इसमें भी शायद कहीं ना कहीं जो जो पार्टी को जो लीड करने वाले ने शायद कहीं लूज मीन्स ज़्यादा सिस्टम का साथ नहीं गया होगा, इसलिए पार्टी सब छोड़ के सब अलग अलग पार्टी में चला गया है। अदरवाइज अगर पार्टी लीड करने वाला अगर सिस्टम का साथ मजबूत का साथ रहेंगे तो मेरा ख्याल से कोई दूसरा पार्टी इतना इजी जाने का तो पॉसिबिलिटी नहीं। सर, ये सिस्टम का लूज है कि एक नेता दूसरा पार्टी में चला जाता है? हाँ, ये कोई सिस्टम का लकुना होगा ना, इधर लीडरशिप का कोई वीकनेसेस होगा। मैं नहीं बोलूँगा कि किसी लीडरशिप में वीक है, लीडरशिप में वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होगा। इसी कारण से एक पार्टी छोड़ के एक पार्टी चला जाते हैं, क्योंकि हमें एज ए ह्यूमन बींग, गुड ह्यूमन बींग, जिस ताली पे खाना खाते उस पर चैन नहीं करना चाहिए। जिस मंच से आप कलाकार बना, सुपरस्टार बना, उस मंच को भूलना नहीं चाहिए, उस मंच को पूजा करना चाहिए। कोई कोई लोग उसको कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं हमेशा मेरा अपना मंच यानी मेरा पार्टी, मेरा जो प्लेटफॉर्म को मैं हमेशा नेक्स्ट टू गौरी मानता हूँ। सर, आप जब पहले सर स्पीच दे रहा था तब आप मीडिया को हेज एंड सोसाइटी का आंख और कान एड्रेस कर रहे थे, बट आज का गवर्नमेंट या स्टेट हो या सेंट्रल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं देते सर, अंदर का डिटेल कुछ अलाउड नहीं करते, तो सोसाइटी में हम लोग बात फैलाएगा कैसे? इट डजंट ना कुछ इंक्लूसिव वो होता है सर, ना पार्लियामेंट में प्रॉपर मीडिया का एंट्री है, ना हम लोग का PM सर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते सर। ये हाउ डू यू सी कि मीडिया कैसे काम कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में? मीडिया जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मीडिया जो है, आप अगर मुझे नेता कोई अगर पूछेंगे तो मेरा ओर से कोई जवाब नहीं, उल्टा मैं ही आपको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा होने दे रहा है। मैं ही आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों आप मुझे पूछना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आप एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया से और पावरफुल और दुनिया में कुछ है नहीं है, मीडिया ही सब कुछ दुनिया को राज करते हैं। राज करना मतलब ये कि नहीं कमांडिंग नहीं, आप मीडिया जो एक ऐसा है कि सच्चाई को जो चुप के जो दब के बैठा उसको आप आगे निकाल सकते हैं। मीडिया एक है कि जो आदमी जो अंधा है उसको आंख उसका जो आई ओपनर यानी एक ट्रेल ब्लेजर यानी जो रास्ता नहीं रास्ता बना दे सकता। तो उसी तरह मीडिया, आप अगर नेता को पूछेंगे तो गलत बात होगा, आपको मैं पूछना चाहिए कि
बाहर प्रदेश में सेंटर में छोटा छोटा बर्थडे पार्टी को ये जो इतना फोकस करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे आदमी कोई मर रहा है, कोई रेप हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ में ट्रैफिक जाम हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं हो रहा, ये सबको मीडिया आप आपको मैं पूछना चाहिए कि क्यों आप इस चीज को ध्यान में, और प्लस ये जो अभी जो नहीं नहीं ऊपर से रिप्लाई नहीं, मेरा कहना ये है कि ये जो अभी प्रदेश में सच बोला जाए तो अंडर डायनेमिक लीडरशिप यानी यंग डायनेमिक लीडरशिप पेमा जी का नेतृत्व में तो विकास अच्छा हो रहा है, तो हर चीज डेवलपमेंट तो मेरा ख्याल से अभी देखने को मिल रहा है, फ्लाई ओवर भी फर्स्ट टाइम हम लोग बचपन से बाहर में देखते देखते अभी अपना आंख से देखने को मिल रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है, अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके देखने से तो रोड कम्युनिकेशन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और बाकी जो आपने जो मुझे सवाल पूछा ये तो इंटरनल बात है, इंटरनल बात को तो मीडिया लोग आप मीडिया अंदर में बात करना चाहिए, मीडिया लोग ही चर्चा करना चाहिए, वो मैं अभी सरकार में पावर में नहीं हूँ, मैं जवाब कैसे दूंगा। लास्ट टाइम रिसेंटली नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आया था, राहुल गांधी भी सर आ रहे वो भारत जोड़ो यात्रा के, जब जेपी नड्डा आया था तब सर उसने क्लेम किया था कि अरुणाचल को लोग क्लीन स्वीप मारे हो, आपका रिएक्शन चाहिए था सुना मैं। यस सर, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, भाषण में तो मैं भी बोलूंगा कि एनसीपी अजीत पवार क्लीन स्वीप मारेंगे, वो तो समय ही बताएंगे, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो तो हर नेता को तो मिस कोई कौन चाहता है, आप भी तो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, आप कामयाब होना चाहता है, कोशिश तो सब करेंगे, तो रिजल्ट दैट मैटर्स एंड रिजल्ट दैट काउंट्स, तो अभी सब अलग अलग पार्टी, राहुल गांधी भी आएंगे वही बोलेंगे क्लीन स्वीप मारेंगे, नादा जी भी वही बोला है, तो राहुल जी भी आने वाला है शायद ये 20 तारीख, वो भी क्लीन स्वीप मारने का बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ के जो पब्लिक किसको पसंद करते हैं, किसको चुनते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किंग सिस्टम चला गया, अभी डेमोक्रेसी में द रियल किंग जो है पब्लिक वोटर्स होता है, तो वोटर्स ही डिसाइड करेंगे, हम बोलने से कोई बोलने से नहीं होगा, वोटर्स जो हमारे जो चुनाव में जो ग्रास रूट वोटर्स है वही डिसाइड करेंगे हु इज गोइंग टू बी द किंग। आई फील वेरी डिलाइट एंड इन फैक्ट इट्स लाइक ए न्यू ईयर रिजोल्यूशन दैट this NCP Ajit Pawar led by Nikasaya ji as a state president, we are very energized today and we are very optimistic about strengthening our party. It will be one of the alternate political party in Arunachal Pradesh, as we hope being it is the partner of the ruling BJP, although political party ideologies are different, but still we are NCP Ajit Pawar happens to be the biggest NDA partner as on today. पार्टी को लेकर आपका क्या क्या कमिटमेंट है? पार्टी को लेकर प्राथमिकता जो है विकास ही होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन द टॉप प्रायोरिटी, एंड ऑफ कोर्स NCP Ajit Pawar इज अ सेकुलर पार्टी। आपने पहले बताया था अपना इंट्रोडक्शन में कि आपको आपका अर्लियर जो पार्टी था उसने आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो डू यू एक्सपेक्ट कि एनसीपी आपको वो प्लेटफॉर्म देगा? नो, इट्स नॉट लाइक यू नो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था ऐसा करके नहीं है, लेकिन आई वॉज नॉट रियली फीलिंग गुड विद द पोलिटिकल पार्टी इन विच आई वॉज अर्लियर, एंड दिस इज लाइक फीलिंग गुड बिकॉज इट इज़ अ रीयूनियन विद Nikasaya ji, who is too a veteran leader also of the state, two-timer MLA who worked as parliamentary secretary also earlier, and being a close friend of him, it will be a great pleasure for me to carry forward with the objective of this NCP Ajit Pawar in our state, Arunachal. So sir, what are you expecting from the Congress party? We are expecting it will be, as I said, the very biggest alternative political party next to ruling BJP. I hope NCP will be doing better. Sir, any prediction for 2024 election? Prediction is will be bringing out with very fruitful outcome. I hope. Sir, in number? Number may be 15 to 20, we hope. Abhi Women India President appointed. प्रेसिडेंट, आपका रिएक्शन कुछ दीजिए? मुझे बहुत खुशी हो रहा है, लाइक मुझे लाइक एनसीपी ने सर अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर
लिखा सा आया सर, उसने लाइक रिकॉग्नाइज किया कि उतना काबिल समझा कि दैट ही हैज अपॉइंट मी एज द फर्स्ट महिला नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए. एंड आई बिलीव कि उसका उनका बिलीव को एंड जो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि चलो मैं कुछ काम करूँगी पार्टी के लिए, सो आई फील वेरी गुड एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी. और आपको पता ही है कि अजीत पवार जी ही इज़ अ डायनेमिक ए प्रोमिनेंट लीडर, तो उन लोगों के साथ इन लोगों के ग्रुप में इन लोगों की छत्र छाया में आके मुझे बहुत ही खुशी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपका कुछ अगला स्टेप जो आप लेने जा रहे हैं आप एज अ वुमन अरुणाचली लेडीज को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ऑब्वियसली आई विल उन लोगों को मैं इनकरेज करूंगी कि आप एज मच एज आप भी आइए ऐसे पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिएगा एंड बी ए पार्ट, नॉट फॉर ज्वाइनिंग ए पॉलिटिक्स बोल के नहीं है कि आप आइए एंड आप अगर अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, सो बीइंग अ पार्ट ऑफ औरत ही है कि जो हर चीज़ में दे कैन हर चीज़ को लाइक दे कैन मैनेज एवरीथिंग. अपना जो घर में बैठे ही क्यों रहना है, इफ़ दे कैन डू वेरी बेटर तो आप आइए आगे आइए. बस मैं ये अपनी लेडीज लोग को अपनी महिला लोग को यही एनकरेज करूँगी. आप लोग बाद में देखिएगा. बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी में ज्वाइन क्यों नहीं? देखिए आप लोगों का माध्यम से मैं सही बात बताऊँ तो मैं इससे पहले बीजेपी में था, बीजेपी 15 इयर्स था. लेकिन देखा जाए तो पार्टी तो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी खराब पार्टी है. उसको लीड करने वाला हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता लोग बीजेपी को एक पेंडलम बना के रखा है. वहाँ के वर्कर्स लोगों को एक तरफ आते हैं, एनपीपी को सपोर्ट करते हैं, बात के बाद हमारा क्षेत्र का हमारा कुछ एमपी एमएलए जो है हमारा पार्टी को ही बदनाम कर रहे हैं, हमारा पार्टी को ही तुता रहे हैं. क्योंकि पेमा खांडू को ही बदनाम कर रहे हैं, अपना सीएम को ही बदनाम कर रहे हैं. कौन लीड कर रहे हैं हमारे स्टेट में? हमारा पेमा खांडू लीड कर रहे हैं. तो वहाँ पे हमारा एमपी जो एमएलए है एक तरफ आते हैं बीजेपी बोलते हैं ऊपर, और एक अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं. तो इस वजह से हमारा जो लॉयल वर्कर्स है, हमारा जैसे जो 15-20 साल से काम करने वाला पार्टी में काम करने वाला अभी हर कोई पार्टी से पेटअप होके नया नया पार्टी में जो हमारा एनसीपी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं. अभी हमारा टीम लोअर दिबांग वैली रेडी है. हमारा हमारा विजनरी लीडर, हमारा डायनेमिक लीडर्स, एक मैन ऑफ कमिटमेंट हमारा बड़ा भैया लेखा साहब सर के साथ ज्वाइन करने के लिए हर कोई तैयार है. सर आपका कहने का मतलब है कि आप एलिगेशन डाल रहे हैं बीजेपी में कि वहाँ पे पार्टी वर्कर को अच्छा से वो लोग नहीं देखते या फिर अच्छा से वो लोग जो उसको प्लेटफॉर्म नहीं देते. ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये सही है. हर कोई जानते हैं उसको. आप हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए, हर कोई ये बात बोलेगा. इवन मेयर वर्कर्स भी बोलेगा, मेयर वोटर भी बोलेगा. क्योंकि वोट किसको दिया उसने? बीजेपी लीडर को दिया, बीजेपी एमपी को दिया, बीजेपी एमएलए को दिया. लेकिन आखिर ऊपर से आते हैं वो लोग ओपोजिशन वालों को, जो पार्टी के अलायंस नहीं है उसी को सपोर्ट करते हैं. तो अल्टीमेट तो पार्टी तो बिगड़ना ही है, बदनाम तो हो गए. ग्रास रूट लेवल में आप लोग कवर नहीं करते, कवर ग्रास रूट लेवल में ये सब हो रहे. हमारा कुछ नेता नेट दिल्ली में टाइम पास के लिए बैठा हुआ है सिर्फ मस्ती करने के लिए. और उसको पूछिए, वो कुछ इशू उठाया हमारे ईस्टर्न जोन के लिए? एक भी इशू आज तक उसने नहीं उठाया, कुछ आवाज़ तक नहीं दिया उसने. तो उस तरह का नेता लोग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को, हमारे ईस्टर्न अरुणाचल को बर्बाद कर रहे, पार्टी को बर्बाद कर रहे. थैंक यू.